हेलो विलेंस, कैसे हो यार। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले चूचू चार्ल्स, एक हॉरर गेम। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि जो चार्ल्स है वो आधी मकड़ी एंड आधा मॉन्स्टर है, जिसे चलने के लिए किसी ट्रैक तक की भी जरूरत नहीं है। वो अपने मकड़ी वाले पैरों से अगर चाहे तो कभी भी जंगल से आ जा सकता है। एंड उसे मारने का सिर्फ एक तरीका है, हमें अपनी ट्रेन को जितना हो सके अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड इतना भी काफी नहीं है, अगर हमें उसे सीरियसली फाइट करनी है तो वो करने के लिए हमें पूरे आईलैंड पे अलग अलग जगह पे रखे 3 अंडों को ढूंढना पड़ेगा। एंड वो ले जाके हमें किसी मंदिर में रखने पड़ेंगे जहाँ पर चार्ल्स आएगा, एंड तब मुझसे फाइट कर पाए। एक अंडा तो हम ढूंढ चुके हैं, बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट के गेम को करते हैं स्टार्ट। तो भाई देखो, सीन कुछ ऐसा है कि 2 अंडे तो हमने ढूंढ लिए, हमें ढूंढना है फाइनल अंडा एंड फिर हम डायरेक्टली चार्ल्स से फाइट कर पाएंगे। बट वो करने के लिए सबसे पहले हमें एक केव पे जाना पड़ेगा। मेरे को लोकेशन तो उसकी पता चली है, सामने कहीं पर है। बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट के पहले तो उस केव पे चलते हैं, बाद में तीसरा अंडा ढूंढने के बाद आगे की बात करते हैं। अभी ये शिट यार, मैंने ट्रेन भी रोक दी। ये बजूका का एक तो रिलोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है यार, शिट मिस हो गया। अरे बहुत ज्यादा अपने ट्रेन की है भाई। गेम की स्टार्टिंग तो बहुत खतरनाक हुई है अपनी, थोड़े बहुत स्क्रैप थे वो भी गए। तो मेरे को सूत्रों से पता चला था कि यहीं कहीं वो केव है जिसके अंदर में तीसरा अंडा देखने को मिलेगा। तो बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट के पहले तो अंडा ढूंढते हैं। यहाँ से तो रास्ता बंद दिखा, एक सेकंड दूसरी साइड से चलते हैं। इधर आसपास कहीं पर केव होनी तो चाहिए, मैं देखता हूँ। ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, तो के गाइस यहाँ पर केव एंड मेरे हिसाब से इसके अंदर ही वो तीसरा अंडा होना चाहिए। पहले तो मैं थोड़ा आराम आराम से चलता हूँ, क्योंकि ऐसी केव्स के अंदर यार गार्ड्स बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं एंड मैं नहीं चाहता इतनी मुश्किलों से जो थोड़े बहुत स्क्रैप्स इकट्ठा। आवाज़ तो आ रही है, एक सेकेंड यहाँ पर है ना, सामने की तरफ गार्ड है। एक सेकेंड इसको साइड में जान दो, साइड में गया। चलो आगे की तरफ, आगे भी एक गार्ड है, थोड़ा देख के हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर इन्होंने पकड़ लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है। ओके चलो ठीक है, हम इस पिलर के पीछे आ गए। वो किधर, अच्छा इसी साइड आ रहे हैं। सेकंड में इस पिलर के पीछे छुपा रहा था, एक करके। अच्छा ठीक है, इधर आ रहे हैं। ये तो साइड में चला गया, निकलते हैं। ये क्या है, नीचे चलते हैं। तो गाइस 2 अंडे हमने ढूंढ लिए फाइनल अंडा एंड बाद में डायरेक्टली इन अंडों को टेंपल में ले जाके हम चाल से फाइट कर पाएंगे। एक सेकंड, यहाँ से भी मेरे को डाउट तो हो रहा है, कोई ना कोई गार्ड्स तो इधर मिलेंगे एक बार। शिट, वो रहा अंडा तो सामने की तरफ है। तो उठा लिया, चलो आगे की तरफ चलते हैं। कोई एग्जिट पीछे की साइड ही होगा ना, ये तो बंद है। शिट, भागो। ठीक है, इसी साइड से आया था ना मैं। हाँ ठीक है, बोरा रास्ता। अरे लीवर किधर है, लिफ्ट तो इधर दिख ही नहीं रही। बट एक सेकेंड, शायद वो गार्ड खो गया इधर रास्तों में। धीरे धीरे करके जाऊँ, मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है। इधर तो गाइस वो जो लिफ्ट थी वो तो नहीं है, लीवर वगैरह जिससे ऊपर जा सके। फिर से हमें आगे की साइड से जाना पड़ेगा। किधर है वो दिख तो रहा नहीं है यार। चले क्या आगे, धीरे। यहाँ पर क्या, यहाँ से भी रास्ता बंद है। शिट, भागो। ये तो गलत ही साथ। अरे यार, भाग। यहाँ से तो रास्ता बंद है, किधर जाऊँ। सामने की तरफ क्रेट तो दिख रही है मेरे को,
तो चलो गाइज उससे तो हम बच गए, अभी तो बाहर निकलते हैं। चलो ठीक है, अब गाइज तीनों अंडे अपने पास आ चुके हैं, अब कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं है। अभी क्या करना है अपने को? चलो ठीक है, एक फाइनल मिशन बचा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस घर में मैं पहले आया तो था यार, बट इसके अंदर कोई रहता ही नहीं है। यहाँ पे मिशन कैसे कम्प्लीट? पेपर पड़ा है बट इसके अंदर कुछ काम का तो लिखा हुआ है नहीं। निकलते हैं इधर से। ये बॉक्स वॉक्स उठा सकते हैं क्या कोई? नहीं, ये भी नहीं उठा सकते। ऊपर की साइड चल के देखते हैं कुछ काम का अगर मिल जाए तो। यहाँ पर भी नहीं है, नहीं नहीं कोई भी नहीं है। पीछे की तरफ गेट है, खोल के देखता हूँ। अच्छा ठीक है, अंकल इधर खड़े हैं, बात करके देखते हैं। You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then. अच्छा ठीक है, तो गाइस इसने हमें कुछ explosives दिए एंड बोला है कि यहाँ पर पास में जो ब्रिज है ना, हम अगर उसके नीचे जाके उन्हें लगा दें तो चांसेस हैं कि अगर कभी चार्ल्स इसे वहां से आता दिखे कुछ भी तो यहाँ से डायरेक्ट उसे ट्रिगर कर दे एंड बाद में वो मारा जाएगा। एंड अगर हम भी फाइट करते हैं तो इसने हमें बोला है कि हम कुछ भी करके उसे इस साइड से लेके आए एंड ये देखता रहेगा, उस साइड नज़र रखता रहेगा एंड जैसे इसे सिग्नल मिलेगा ये डायरेक्टली इस पूरे पुल को ही उड़ा देगा। एक बार खोल के देखते हैं कितने दिए हैं इसने। चल ठीक है, अपने पास 8 डायनामाइट हैं, इनको ब्रिज पर लगा देते हैं फटाफट। एक बार कहाँ पर लगेंगे, कहाँ से लगाने? रुक रुक, आगे की तरफ चल के देखते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे लगा सकते हैं हम, ठीक है। 1, 2 यहाँ पे तीसरा लगा दिया, चौथा, 5, 6, 7, 8। तो गाइस 8 के 8 हमने यहाँ पे डायनामाइट लगा दिए हैं। फटाफट चलते हैं पॉल के पास, कुछ एक्स्ट्रा स्क्रैप्स अगर मिल जाए तो। अभी तो हमें ट्रेन अपग्रेड करनी है एंड डायरेक्ट उससे फाइट करनी है, क्योंकि 3 के 3 अंडे अपने पास अभी आ चुके हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। तो स्क्रैप्स उठाते उठाते जल्दी इसके पास चलते हैं, ऊपर जाके एक बार उससे बात करके देखता हूँ। हाँ बोल भाई। That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Here, take this. It's the key to the temple. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. तो गाइस ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरे आइलैंड का सबसे कमजोर ब्रिज है एंड कभी भी चार्ल्स इसके ऊपर से आए तो वो डायरेक्ट उसे यहाँ से उड़ा देगा। एंड इसने हमें चाबी भी दी है उस टेंपल की, बिना चाबी के हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट के सबसे पहले तो टेंपल पर चल के देखते हैं कि कैसे उससे फाइट करनी है। जितनी हो सके ट्रेन तो हमने अपनी अपग्रेड कर ली है, उसकी कोई टेंशन है नहीं, अब डायरेक्ट उससे फाइट करनी है। बिना चलते हैं ट्रेन के अंदर, अब डायरेक्ट उधर चलते हैं। चलो भाई ओके गाइस, सामने की तरफ ये रहा वो टेंपल जहाँ पर हमें आना था, बट यहाँ पर गार्ड्स बहुत सारे घूम रहे हैं यार, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा मेरे को, तो देखना। अरे 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 देख लिया, एक ने देख लिया किधर है। एक बार ट्रेन तो पास में खड़ी, कोई दिक्कत वाली बात है? एक सेकेंड हाँ आ जा। तो भाई इसको तो हमने भून दिया है, अब अंदर जाके देखता हूँ कि क्या सिस्टम है, इन अंडों को कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। अंदर की साइड बताया था उसने, टेंपल के अंदर उसने कोई की भी दी है हमें वैसे। अंदर की तरफ चल के देखते हैं, सामने की तरफ ऊपर मुझे कुछ दिख तो रहा है, गार्ड्स भी
अच्छा ये यहाँ की चाबी है। ये क्या रखा हुआ है सामने? एक सेकंड, गार्ड है बाहर, यहाँ पे छुप जाता हूँ एक बार। अच्छा ठीक है, गार्ड गया। हाँ ठीक है, तो ये कुछ प्रिज्म टाइप का रखा तो हुआ है। अच्छा इसके अंदर हमें अंडे लगाने हैं, ठीक है समझ गया। हर डायरेक्शन में अलग अंडा लगेगा शायद कलर के हिसाब से। ठीक है, दो अंडे लगा दिए। तो गाइस माइंस का बॉस यहाँ पर आ चुका है अपनी पूरी गैंग को लेकर, एंड ये बोल रहा है कि हम इस अंडे को नीचे रख दें वरना मारे जाएंगे। छोड़ो यार, लगाओ इसको। ओके गाइस, तीनों अंडे हमने यहाँ पर रख दिए हैं, अब चार्ल्स का वेट करना है, देखते हैं। ओके गाइस, चार्ल्स यहाँ पर आ चुका है। शिट शिट भाई, तो भाई तीनों अंडों की पावर चार्ल्स ने अब्सॉर्ब कर ली है, अब इससे फाइट करने में तो जाएंगे यार, वैसे इतना मुश्किल हो रहा था। बाप रे, भाई ये तो खुद के बंदों को खा रहा है, माइंस के बॉस को तो खा गया है। अभी तो ट्रेन में बैठ के फाइट करना पड़ेगा, बस यही रास्ता अपने पास, कोई रास्ता भी नहीं है, ट्रेन चला। ऊपर की तरफ चार्ज की है, तो गन बहुत जल्दी ओवरहीट होती है यार इस हिसाब। अरे अपनी ट्रेन की है, कम कैसे की? बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, अभी हमारी ट्रेन की हेल्थ मैंने नोटिस किया काफ़ी ज़्यादा कम थी, एक बार हेल्थ को रिपेयर करने को, बाद में इसे मारते हैं। तो ट्रेन स्टार्ट, हेल्थ इस बार पूरी हो चुकी है, चलो आगे। तो भाई आग की रेंज भले ही कम हो, बट एक बार अगर अपन लगा देते हैं ना, तो देखो जिस टाइम पे ये ओवरहीट से कूल डाउन होती है ना, तब भी इसको डैमेज पड़ता रहता है। टेलीपोर्ट कैसे मार रहा है? और ये तो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट मार रहा है। भाई अपनी ट्रेन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, इस हिसाब से तो मारे जाने यार। एक बार ट्रेन की हेल्थ अपनी फिर से फुल हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी हेल्थ अपने आधी कर दी, अपनी हेल्थ अपन ने जितनी हो सके रिकवर कर ली है, तो फिर टेलीपोर्ट मार रहा है। अच्छा ठीक है, गाइज अगर हम इसको उस ब्रिज की तरफ ले जाए ना जहाँ पर डायनामाइट वगैरह लगे हुए थे, तो अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अरे गन भी ओवर हीट हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं एक बार। हेडशॉट मारने से ज़्यादा डैमेज हो रहा है, हेडशॉट कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ट्रेन की ट्रेन की है पूरे से बढ़ा दी। तो वाही वाला सीन है अच्छा बिल्कुल यहाँ पर। ओवरहीट के साथ स्विच कर लेगा दूसरी गन से,
तक ये कूल डाउन होगी तब तक मुझे सुना आज मैं इसके लगा के भी छोड़ देंगे क्योंकि हेल्थ थोड़ी कम होती रही इतनी देर में रूप से डाउन नहीं की तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। चूचू चाल से यहाँ पर हो चुका है खत्म। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।